हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक सर्किट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैग्नेटिक सर्किट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक सर्किट से, तो ऑलमोस्ट देखा गया है 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हर साल, एसएससी जेई पूछता है आपसे, और बहुत ईजी टॉपिक है। आप इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि बेसिक में ये इंक्लूड होता है, जिसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड या फिर छोटा सा कंसेप्ट बेस्ड, और थ्योरी क्वेश्चन इससे ज़्यादा आता है। देखिए, तो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगी आपसे पूरे कंसेप्ट, और फिर हम बात करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो स्टार्ट करने के पहले एक बार देखिए, मैं सिलेबस आपको बताना चाहूंगी, और आप अपने पेज में नोट डाउन कर लीजिए सिलेबस। आइए देखते हैं सिलेबस क्या है। तो देखिए, आपको इसमें पढ़ना पड़ता है मेनली कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैग्नेटिक सर्किट में, डेफिनेशन है कुछ और कुछ फॉर्मूला है, वो चीज आपको याद रखनी है। तो कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ एंड रिलक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप के हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हालांकि ये टॉपिक मैग्नेटिक मटेरियल का टाइप्स हम मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ मेंशन है, इसीलिए आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी। और उसके बाद बोल रहे हैं मैग्नेटिक कैलकुलेशन फॉर कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट कन्फिग्रेशन, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का कुछ डेरिवेशन होता है, कुछ डेराइव करना होता है फॉर्मूला, उसी का ही कैलकुलेशन पूछता है। देखिए, प्री में तो आपका नहीं पूछेगा डेरिवेशन, ये सिंपल आपको फॉर्मूला बेस्ड रहता है, वो याद करना है। लेकिन अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो मेंस के लिए आपको डेरिवेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एक एक करके हम बात करेंगे मैग्नेटिक कैलकुलेशन फॉर कंडक्टर ऑफ डिफरेंट कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है वो, या फिर वो सर्कुलर कंडक्टर हो सकता है, सोलेनॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा। तो एक आध और होता है टोरॉइड, वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना में हमें पढ़ना पड़ता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये टॉपिक इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन करने बोलता है। मेनली हम लोगों को दो लॉस पढ़ने होते हैं उसमें, वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, विद एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन, अभी तक आपने मेन जो हमारा टॉपिक था बेसिक कंसेप्ट का, उसमें सिर्फ आप सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े होंगे, इंडक्टर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। लेकिन यहाँ पर आपको म्यूचुअल इंडक्शन भी देखने को मिलेगा, जिसको हम डिनोट करते हैं एम में। दोनों का यूनिट सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आता है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस टॉपिक से, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन से, एक आध न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है छोटा सा, या फिर इसमें हम कोफिशियंट ऑफ कपलिंग वगैरह भी पढ़ते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर ही आता है कोफिशियंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है हमारा, प्री के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए सेम ही रहने वाला आपका सिलेबस। बस आपको अगर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है, और अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो आप सिंपल फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और इस कंसेप्ट पे आप स्टार मार्क कर लीजिए। हालांकि सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्लक्स, एमएमएफ और रिलक्टेंस वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, और हम देखेंगे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट करेंगे तो आप ये चीज़ देखिए, उसके बाद अपना कंटिन्यू करिए प्रिपरेशन, ठीक है। तो सब आई थिंक सब लोगों ने मैग्नेट पे एक्सपेरिमेंट किया होगा। जब आप स्कूल का एग्ज़ाम देते हैं, तभी आपसे प्रैक्टिकल पूछता है, स्कूल में भी आपने प्रैक्टिकल किया होगा। फिजिक्स में हम लोगों को जनरली किया जाता था मैग्नेट पे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मैग्नेट पे एक्सपेरिमेंट किया जाता था। तो किसी भी शेप का हो जाता है हमारा मैग्नेट। मैग्नेट क्या है, जो कि अट्रैक्ट करता है, ठीक है।
जैसे कि आयरन को अट्रैक्ट करता है, कुछ प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। यहाँ पर ये मैग्नेट है, अगर इसका ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा। अगर आप इसको क्या करेंगे, छोटे से पार्ट में डिवाइड कर देते थे, दो टुकड़ों में आप कर दिए थे, तो ये नॉर्थ हो जाएगा साउथ, नॉर्थ साउथ, कितने भी पार्ट्स आप डिवाइड कर लीजिए। अगर कितने भी पार्ट में भी आप डिवाइड करेंगे तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ पोल में ही, नॉर्थ साउथ में ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिज्म क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है मैग्नेटिज्म एंड इट्स प्रॉपर्टी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपको पढ़ना होगा। अब आप मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स, MMF, रिलक्टेंस में ना जा करके पहले कुछ इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, तब आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब उसके बाद आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, क्योंकि रट के पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे वहाँ पर कि क्या होता है डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, देखिए ये एक मैग्नेट को, मैग्नेट के पावर को शो करता है। तो हम बोलेंगे द मैग्नेटिज्म कैन बी डिफाइंड एज द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द मटेरियल, पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिज्म यही है कि कितना अच्छा मैग्नेट है वो कितने अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा है आयरन एंड इट्स एलॉय को, उसे हम बोलेंगे कि ये मैग्नेटिज्म की पावर को शो करता है। सो मैग्नेटिज्म कैन बी डिफाइंड एज द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द मटेरियल एंड उसके बाद एंड द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जो भी मटेरियल है अगर वो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट से तो उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिज्म यही है कि ये पावर को बताता है कि कितने अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है बाय द मैग्नेट, एंड द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। और कितने टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ आपको डिस्कस नहीं किया गया है, कि सिर्फ बोल दिया गया है टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट में आप जब देखेंगे तो आप पढ़ेंगे बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल। उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लीजिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। सेकंड आपको पढ़ना पड़ेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद हम पढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एंड और हम पढ़ेंगे एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो ये पांच आपको मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन देखिए कैसा आता है, अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, पूछ लेगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का परमेबिलिटी कितना होता है, ससेप्टिबिलिटी कितना होता है, या फिर उसके डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछता है डिफ्रेंशिएट हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, या फिर बोलेगा गिव द कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, या फिर आपसे पूछ सकता है कि गिव द प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें न्यूमेरिकल नहीं होता कहीं भी, आप ये थ्योरी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक चीज़ मैं बताऊंगी, आप उसको नोट डाउन करिएगा, और जहाँ मैं बोलूंगी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब देखते हैं मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बेसिकली हम प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। तो कुछ 5-7 प्रॉपर्टी होती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट होता है। जनरली देखिए कुछ भी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ देता है आपसे। तो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। चुंबक की क्या प्रॉपर्टी है, तो आपने एक्सपेरिमेंट बहुत सारा किया होगा, किसी भी शेप का आपको मैग्नेट मिल सकता है। तो राउंड शेप हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, और इररेगुलर शेप भी हो सकता है। लेकिन जब भी वो रहेगा वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में ही रहेगा, यानी कि हमेशा डाइपोल के फॉर्म में ही रहेगा। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, अगर ये आप बड़ा सा बार मैग्नेट लेते हैं, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप का है, इसे हम बार मैग्नेट बोलते हैं, नॉर्थ साउथ में ही रहेगा, ठीक है। अगर इसका आप दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, बीच तोड़ दिए, तो भी इसका अलग से डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर आप उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए, तब भी सब कुछ सेम रहेगा, नॉर्थ साउथ में ही रहेगा। और अगर इसके आप एन पार्ट्स भी कर दिए, चाहे छोटे छोटे टुकड़ों में ही क्यों ना कर दिए, तब भी ये नॉर्थ और साउथ के फॉर्म में ही आपको दिखेगा। कभी भी ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ हो और साउथ साउथ हो। तो हम बोलेंगे पहली इसकी प्रॉपर्टी है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट इज द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर ऑलवेज इन डाइपोल, आर ऑलवेज इन डाइपोल, हमेशा डाइपोल रहेगा। एंड इसकी जो पोल स्ट्रेंथ रहेगी, एंड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ इट्स टू पोल्स, ऑफ इट टू पोल्स आर सेम। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दो पोल हैं, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों का पोल स्ट्रेंथ रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा, चाहे वो एक बार मैग्नेट हो। अगर आपने दो पार्ट में डिवाइड किया तो दो पार्ट में डिवाइड होकर नॉर्थ साउथ हो जाएगा, और आप देखेंगे कभी भी पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, हमेशा पोल स्ट्रेंथ सेम होगा ऑफ इट्स टू पोल्स। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये हो जाएगी कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का आता है। जैसे कि ये मैग्नेट है, इसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे कि ये अगर आप मैग्नेट लेते हैं, ये इसका नॉर्थ है साउथ है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, ठीक है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, क्लोज्ड फॉर्म के फॉर्मेट में, हमेशा ये क्लोज्ड फॉर्म रहेगा इसका, कभी भी ओपन नहीं रहेगा, ठीक है। और बहुत सारे रहेंगे, एक नहीं होता, बहुत ज्यादा होते हैं, एक नहीं होता है, बहुत सारा होता है। ये जस्ट शो करने के लिए कि बहुत सारे और भी लाइंस निकल रहे हैं, फ्लक्स लाइन। तो नॉर्थ से निकलता है साउथ में एंटर करता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में एंटर करता है। तो हम सेकेंड प्रॉपर्टी बोलेंगे मैग्नेट का, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ये हो जाएगी कि The flux line starts from or exist from North Pole and terminate to the South Pole। यानी कि नॉर्थ से निकलता है और टर्मिनेट होता है साउथ पोल में, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेट की। उसके बाद
उसके बाद आप बोलेंगे मोनोपोल, मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट, ऑफ अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा डाइपोल के फॉर्म में रहता है. तो कई बार आपको ऑप्शन देखने को मिलता है इस टाइप का स्टेटमेंट, तो आप हमेशा बोलेंगे मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट. कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है आपके मैग्नेट के केस में, ठीक है. उसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं. तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी देखिए क्या होती है, ये मैं रब कर रही हूँ. इसके साथ साथ आपको ये सब डायग्राम भी शो करना है. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है मोनोपोल, तो उसको आपको ये डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है. और अगर फ्लक्स लाइन आप शो कर रहे हैं तो नॉर्थ टू साउथ टर्मिनेट, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में टर्मिनेट होता है. ये सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है डायग्राम के साथ, ठीक है. तो आते हैं हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी पे मैग्नेट के. तो देखिए क्या होता है, आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना पढ़ा होगा. इंडक्शन अभी के लिए समझिए, मैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या होता है कि देखिए, अगर ये मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसके आसपास अब अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल अगर आप प्लेस करते हैं, जैसे आयरन हो गया, आयरन कोबाल्ट निकल हो गया, तो वहाँ के आसपास इसका खुद का फील्ड होगा और इस फील्ड की वजह से क्या होगा, आसपास का जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो भी मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है. क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन. तो हम बोलेंगे द मटेरियल्स which are placed nearby the magnet are also get magnetized, ठीक है, वो भी magnetized हो जाएगा आपका, which is known as magnetic induction. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे magnetic induction, ठीक है. ये हो जाएगा हमारा magnetic induction. तो इसे आप क्या करिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और ये आप डायग्राम शो कर सकते हैं कि दिस इज द मैग्नेटिक मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय द बार मैग्नेट एंड अट्रैक्ट हो जाएगा. ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेटिक इंडक्शन की, ठीक है. आगे हम देखते हैं अ मैग्नेट, अगर एक मैग्नेट है तो इट ऑलवेज अट्रैक्ट आयरन एंड इट्स अलॉय. अगर आयरन का टुकड़ा आपके बार मैग्नेट के पास रखा हुआ है या फिर इसका अलॉय, तो इट ऑलवेज शुड अट्रैक्ट द आयरन एंड इट्स अलॉय. ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है, अट्रैक्ट करना चाहिए. सिक्स्थ प्रॉपर्टी आप देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने देख लिया, सिक्स्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं इसको रब कर रही हूँ. सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होती है देखिए, एक मैग्नेट है तो उस मैग्नेट की, एक मैग्नेट है सपोज नॉर्थ साउथ, इसे हम बार मैग्नेट बोल रहे हैं, तो यहां पर इसकी क्या हो जाएगी, इसके आसपास का लोकेशन में क्या हो जाएगा, ये पूरा नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंटर करेगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंटर करेगा. और यहाँ पर हम बोलते हैं फ्लक्स लाइन ये है, और इस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. उसके आसपास का रीजन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, उसमें क्रिएट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कहाँ से होता है, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय is produced by permanent magnet. तो permanent magnet से क्या होता है, हमारा एक strong magnet, और होता कैसे है ये, by electric
करंट, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग, अगर परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो एक तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और होता कैसे है, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैं बोलूँगी इलेक्ट्रिक चार्ज की सहायता से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसके आसपास के एरिए में। तो ये प्रॉपर्टी होती है, फिफ्थ सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई हमारी मैग्नेटिक, मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो गई। सेवन्थ देखिए क्या होता है, सेवन्थ प्रॉपर्टी, जैसे कि ये पढ़े होंगे आप, अगर लाइक पोल है, अगर लाइक पोल है ऑफ अ मैग्नेट, ऑफ अ मैग्नेट, तो लाइक पोल हमेशा क्या करते हैं, रिपल करते हैं ईच अदर। ये तो हम हमेशा से पढ़ते हैं, लाइक पोल रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका आप एक्सपेरिमेंट भी करते थे, दो हम लोग पास पास लेकर के आते थे, अगर हमारा, अगर ये लाइक पोल है, नॉर्थ नॉर्थ पोल है, या फिर साउथ साउथ था, तो क्या होता था, एक दूसरे से दूर भागते थे, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते थे, रिपल करते थे लाइक पोल। इसमें ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर होंगे, कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आप नॉर्थ साउथ लेते हैं तो ये हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमेशा एक हो जाते थे, ये अट्रैक्ट करते थे। ये प्रॉपर्टी होगी आपकी सेवेंथ प्रॉपर्टी। लास्ट एक प्रॉपर्टी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है एक मैग्नेट की, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। तो हम बोलेंगे द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट इज डिक्रीज्ड और डिस्ट्रॉयड। अब ये अपने आप से तो नहीं होता है, अगर आप उसके में क्या कर रहे हैं, अगर हैमर चला रहे हैं, या बोलेंगे बाय बीटिंग, अगर हैमर चलाया जा रहा है या फिर उसको हीट किया जा रहा है, ठीक है, या फिर एजिंग की वजह से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट इज डिस्ट्रॉय और डिमिनिश्ड, खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। अगर बहुत ज़्यादा पुराना मैग्नेट है, एजिंग की वजह से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे 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 खत्म होते जाता है, या फिर अगर आप उसमें हैमर चला रहे हैं तो भी इसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और अगर आप हीट कर रहे हैं तो भी कम होती जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। डीमैग्नेटाइज्ड होते जा रहा है धीरे धीरे, अपनी प्रॉपर्टी वो लूज करते जा रहा है, और कैसे हो रहा है, भाई कोई एक्सटर्नल फैक्टर है तो उसकी वजह से। ये पूरा प्रॉपर्टी हो गया आपका मैग्नेट का, टोटल हमने 8 प्रॉपर्टी देखा हुआ था विथ डायग्राम, आप इसको शो कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है और लाइंस ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइन ऑफ फोर्सेस की। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट फर्दर अपडेट्स। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।